हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल है यू व्हाई इंडियन ट्रेन्स आर लाइक दिस। अच्छा, थंबनेल के ऊपर तो वो थोड़ा बना हुआ है, पान वान थूका हुआ है इंडियन ट्रेन्स के ऊपर। लेकिन इंडियन ट्रेन्स इस टाइम पे दुनिया में बहुत बहुत बड़ा तेजी से तेजी ग्रो से कर रहा ग्रो है कर रही है। ट्रेन्स के मामले में। और इस चीज़ के मामले में इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पे आता है और काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। खैर, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। देखते हैं कि ट्रेन्स को किस तरीके से दिखाया गया है। और इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन्स भी जो कि खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया टोटली, जिसमें वंदे भारत इस टाइम पे टॉप क्लास की ट्रेन है। तो लेट्स गो। अगर और इस इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर और इस लीजिए। वीडियो से रिलेटेड जो भी आप लोगों के ओपिनियन हुए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है। और कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम इंस्टा पे पे भी। हमारे लिंक मिल इस जाएंगे। वीडियो को देखो, ये बंदा कोई व्लॉग नहीं बना रहा, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो टॉयलेट पहुंच पाए। और ये बहुत ही कॉमन चीज है इंडियन ट्रेन में। 17 अक्टूबर 2022 को मानो अरविंद चौहान का एक बुरा सपना सच हो गया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक राइटर है और पढ़ रहे थे कि कई बार इंडियन ट्रेन कितनी बदबूदार, ओवर क्राउडेड और स्लो होती है। तो उन्होंने कहा कि वो खुद क्यों ना एक्सपीरियंस करे एक जनरल कंपार्टमेंट में जाकर। इसीलिए उन्होंने बुक करी पटना कोटा एक्सप्रेस लखनऊ से मथुरा जाने के लिए। अरविंद ने कहा कि उनको कभी ट्रेन जर्नी में उल्टी नहीं आई, पर ये भी इस जर्नी में चेंज हो गया। कंपार्टमेंट में एकदम टॉयलेट की बदबू आ रही थी और दीवारें मानो पान की थूक से लटपट थी। बोलो जुबा की से। टॉयलेट्स क्लॉग थे और ओवरफ्लो कर रहे थे और वॉश बेसिन मानो एक क्राइम के सीन की तरह दिख रहे थे। इसके साथ यार, यहाँ पर मैं अपना ये एक लोकल पॉइंट ट्रेन यहाँ पर मैं एक अपना पॉइंट लोकल ट्रेन्स में, मेरे ख्याल से वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन्स है ना, लोकल ट्रेन्स में टॉयलेट्स का क्या काम। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, ये हमारी गवर्नमेंट्स के इशू नहीं है, हमारे रेलवेज़ के ये इशूज़ नहीं होते, ये ये पब्लिक लोगों पे होता है कि लोग खुद गंदे हैं। मतलब अगर अगर हमारे हमें कोई फैसिलिटी मिल रही है तो हमारा काम बनता है कि उस जगह को हम लोग भी साफ अच्छे से रखें। अवेल करें उस चीज तो को। लोग यहाँ, ये लोग जो पान थूकते हैं या जो गन करते हैं, या तो कुछ लोग वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, फ्लश नहीं करते, मतलब ये चीज़ें तो आम लोगों के लिए है ना, ये इसमें इस सरकार का तो हाँ। कोई इस हाथ कंपार्टमेंट का फ्लोर डस्टबिन की तरह यूज किया जा रहा था। लाइट और फैन तो ऑन थे, पर उनके जहाँ स्लीपर कोच के कंपार्टमेंट में 72 लोग होने थे, उधर थे 90 से भी ज्यादा लोग। बैठने की बात तो छोड़ो, उधर हिलने की भी जगह नहीं थी। अरविंद ने कहा कि ये एक्सपीरियंस उनका सबसे खराब एक्सपीरियंस था किसी भी ट्रेन जर्नी का। और अरविंद अकेले नहीं है, हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इंडियन ट्रेन्स को यूज करते हैं, जिस वजह से उनको हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। पर सालों से ट्रेन्स की कदर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक ट्रेन बदबूदार, ओवरक्राउडेड और स्लो हो गई है। पर इन तीनों प्रॉब्लम्स के पीछे कारण क्या है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो। ये जरूरी चीज है। ओवरक्राउडिंग इंडियन ट्रेन्स में कई समय से एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो देखो भीड़ कैसे लटकी पड़ी है, ये देखो खतरनाक, ये देखो। ये सिचुएशन जनरल कंपार्टमेंट्स में और भी बुरी है, क्योंकि कई बार उन कंपार्टमेंट्स में अनडिजर्व टिकट्स होती है। अब इंडियन ट्रेन्स का मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ऑन एवरेज एक एसी फर्स्ट क्लास कोच में 18 से 24 बर्थ होते हैं, टू टीयर एसी कोच में करीब 50, थ्री टीयर एसी में करीब 70 और स्लीपर कोच में करीब 80। अब अनरिजर्व कोचेस में 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पर उधर 90 नहीं, कई बार 180 लोग होते हैं। अगस्त में डबल। इंडियन रेलवे ने रीजनल अथॉरिटीज को बोला कि वो रिजर्व स्लीपर कोचेस को कन्वर्ट कर दे अनरिजर्व ओपन सीट्स के कंपार्टमेंट में, ताकि ओवर क्राउडिंग कम हो जाए। पर इसके पीछे कारण क्या है? 2005 में इंडियन रेलवे में एसी बर्थ 23% थी और स्लीपर क्लास बर्थ 77%, पर 18 सालों में ये नंबर बहुत बदल गए। 2023 में स्लीपर बर्थ 46% हो गई है। इंडियन रेलवे कई समय से स्लीपर या फिर सेकंड क्लास कोचेस को रिप्लेस करके उधर एसी कोचेस डाल रही है। जैसे इस साल मई में मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन की 4 ट्रेनों ने एक स्लीपर कोच को रिप्लेस किया एक एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच से। कुछ महीने बाद 3 अलग ट्रेन्स ने एक जनरल सेकंड क्लास कोच को हटाकर उधर डाल दिया एक एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच। अब हमारे देश में कई लोग एक एसी कोच को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवेज ने उनकी क्वांटिटी कम कर दी है पिछले
पिछले सालों में, जहाँ पहले करीब 24 कोच की ट्रेन में 4 जनरल कंपार्टमेंट होते थे, अब बस उधर 2 बचे हैं। जनरल कंपार्टमेंट को रिप्लेस करके 3 टीयर एसी कोचेस डाले गए हैं, जो इंडियन रेलवेज के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये चीज सेंट्रल, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रेलवे जोन में ज्यादा हुई है सदर्न और ईस्टर्न जोन के मुकाबले। अब एसी देखिए, ये उन लोगों के लिए तो बेहतर हुए जिन लोगों के पास पैसा है, और लेकिन जो लोग गरीब हैं उन लोगों के लिए तो नुकसान है। वो लोग कैसे ट्रेवल करेंगे इतना महंगा? कोचेस की टिकट 3 से 4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है जनरल कंपार्टमेंट की टिकट से। इसके अलावा पैंडेमिक के बाद इंडियन रेलवेज ने जन साधारण ट्रेन भी डिसकंटिन्यू कर दी है। 2002 में ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी जो पूरी तरह अनरिजर्व थी, और पैसेंजर्स एक जनरल टिकट से इन ट्रेन को बोर्ड कर सकते थे। इन ट्रेन का ऑब्जेक्टिव था कि वो हमारी पब्लिक को एक अफोर्डेबल तरीका देंगे ट्रैवल करने का, ऐसे लोगों के लिए जो रिजर्व ट्रेन्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब क्योंकि इन ट्रेन्स के टारगेट कस्टमर्स लो इनकम माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो जो टिकट के प्राइसेस थे वो भी कम थे, पर इसकी वजह से ये ट्रेन्स रेलवेज के लॉस मेकिंग थी। पर इवेंचुअली रेलवेज ने कहा कि वो इन ट्रेन्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो अफोर्डेबल कंपार्टमेंट्स थे ट्रेन्स में वो भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा जन साधारण ट्रेन भी हटा दी गई, जिसका अंजाम यह कि जो बचे कुचे जनरल कंपार्टमेंट्स हैं इंडियन ट्रेन में, उधर भीड़ ज्यादा जाने लगी है। पर इधर तक प्रॉब्लम सीमित होती तो समझ आ जाता। ये कोई दंगे का वीडियो नहीं है। 14 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करी गई थी दिवाली और छठ के पैसेंजर्स के लिए, पर सडनली इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। ये पैसेंजर्स बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स थे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और अब कोई तरीका भी नहीं था अपने घर जाने का दिवाली के लिए। वो इतना गुस्सा हो गए कि स्टेशन में उन्होंने बवाल मचाना स्टार्ट कर दिया। आप बोलोगे कि मोहक, दिवाली और छठ तो वन टाइम इवेंट है, ये हर बार ऐसा नहीं होता, पर इंडियन रेलवेज ने कहा है कि पिछले 4.5 सालों के दौरान 1,00,000 से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं। यानी कि हर घंटे ऑलमोस्ट 3 ट्रेन्स कैंसिल होती है हमारे देश में। अब अगर हम 5,000 ट्रेन्स हटा भी दें जो कोविड के दौरान कैंसिल हुई थी, बचती तो 1,00,000 से ज्यादा ट्रेन्स अभी भी हैं। इस साल दिवाली और छठ के लिए इंडियन रेलवेज ने करीब 6,700 स्पेशल ट्रेन स्टार्ट करी थी, जो 2 गुना ज्यादा था पिछले साल के कंपैरिजन से। पर प्रॉब्लम हमारे देश में ट्रेन्स की नहीं है, बल्कि ट्रैक्स की है। हम ट्रेन तो बढ़ा देंगे, पर नई रेलवे ट्रैक कहाँ से आएंगे? नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से 1950 और 2013 के बीच गुड्स और पैसेंजर ट्रैफिक 1000% से ज्यादा बढ़ा है, पर इस समय ट्रैक की लेंथ कितनी परसेंटेज तक बढ़ी है? 23। वैसे ही हमारी रेलवे ट्रैक्स पर हैवी ट्रैफिक है, इस वजह से जब स्पेशल ट्रेन्स भी ऐड होती हैं, उस ट्रैफिक को और बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेन्स डिले हो जाती हैं और कुछ कैंसिल। इसके अलावा कई पैसेंजर और गुड्स ट्रेन्स का जो रूट है वो सब सेम है। पिछले साल कोल शॉर्टेज की वजह से इंडियन रेलवेज उन ट्रेन्स को प्रायोरिटाइज कर रही थी जो अपने साथ कोल को लेकर जा रही थी, इसकी वजह से कई पैसेंजर ट्रेन्स कैंसिल हो गई। तो जब तक रेलवे ट्रैक्स की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिलेज और कैंसिलेशन का कारनामा चलता रहेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ट्रेन्स की बुरी हालत, जो कई बार बदबूदार और कचरे से भरी हुई होती है। 2017 की रिसर्च ने दिखाया कि सदर्न इंडियन रेलवेज में टॉयलेट्स की बुरी कंडीशन। यार वैसे देखा जाए तो इंडिया जो है ट्रेन्स के मामले में काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा है, अगर हम लोग बाकी अदर कंट्रीज के हिसाब से या तो ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज के हिसाब से देखते हैं कि जिनमें पहले ट्रेन्स का सिस्टम था, लाइक पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान ने तो ना ही होने के बराबर कोई भी काम किया है ट्रेन्स के ऊपर, लेकिन इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने बहुत काम किया है और स्टिल अभी भी हम लोग आए दिन कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स देख रहे होते हैं जो कि स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ स्टार्ट हुए भी होते हैं, कुछ पे काम चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ज्यादा काम हो रहा है इन चीजों के ऊपर, मतलब ट्रेन्स के ट्रैक्स के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर भी काम हो रहा होता है, ट्रेन्स के ऊपर भी काम हो रहा होता है। लेकिन चलो ये चीजें एकदम से तो नहीं होंगी, आहिस्ते आहिस्ते कुछ चीजों की तरफ, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनकी तरफ जाएंगे। टॉप 2 प्रॉब्लम्स में से एक थी उधर के पैसेंजर्स के लिए, और ऐसी समस्या रेलवे के लिए कोई नई बात भी नहीं है। 1909 में ओखिल सेन एक रेलवे पैसेंजर ने एक खत लिखा था वेस्ट बंगाल के साहिबगंज डिविजनल ऑफिस को, ट्रेन में टॉयलेट ना होने की वजह से स्टेशन का टॉयलेट उनको यूज करना पड़ा, और पता चला कि वो भाग रहे थे ट्रेन की तरफ एक हाथ में लोटा लिए हुए और दूसरे में धोती पकड़े हुए। इस नजारे के दौरान वो फिसल गए और उनकी धोती फिसल गई। ओखिल ने कहा कि वो न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी रिपोर्ट छापेंगे अगर टॉयलेट का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, पर 114 साल बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई।
पिछले साल लखनऊ कोटा एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हुए संगीता ने लिखा कि टॉयलेट्स पूरी तरह अनयूजेबल थे और किसी को वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। उनको मथुरा जंक्शन का इंतजार करना पड़ा जहां 15 मिनट का हॉल्ट था ताकि वो स्टेशन के टॉयलेट यूज कर पाए। 2015 के व्हाइट पेपर ने बताया था कि रेलवे में साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्लॉग टॉयलेट्स का। इंडियन रेलवे में 50,000 से ज्यादा कोचेज हैं, जिसमें से करीब 25% डायरेक्ट फ्लश सिस्टम यूज करती हैं, जहां वेस्ट डायरेक्टली रेलवे ट्रैक पर निकलता है। 75% को अपग्रेड कर दिया गया है बायो डाइजेस्टर टॉयलेट्स के साथ। अब डायरेक्ट फ्लश सिस्टम बहुत अनहाइजीनिक है क्योंकि ह्यूमन वेस्ट रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहता है, जिससे जर्म स्प्रेड होते हैं। प्लेटफॉर्म्स में बदबू तो फैलती ही फैलती है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स की भी सिचुएशन खराब हो जाती है करोजन की वजह से। जबकि बायो डाइजेस्टर टॉयलेट्स में सीवेज टैंक्स होते हैं जहाँ बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है मीथेन में कन्वर्ट करके। पर IIT कानपुर की एक स्टडी ने दिखाया कि इन टैंक्स में बैक्टीरिया की भी एक लिमिट होती है और कुछ टाइम बाद वेस्ट बहुत भर जाता है इन टैंक्स में और कुछ टाइम बाद इन टैंक्स को खाली करने की जरूरत पड़ती है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसे टॉयलेट्स में भी चोकिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है और किसी तरह रेलवे स्टाफ को ये हालत ठीक करनी होती है। बायो टॉयलेट्स को करीब 5 लीटर पानी चाहिए होता है हर फ्लश के लिए, वो भी अच्छे प्रेशर के साथ। पर इंडियन रेलवेज में वाटर प्रेशर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कई टॉयलेट्स क्लॉग हो जाते हैं। कई बार इन टॉयलेट्स में फिटिंग्स खराब होती हैं, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर और कम हो जाता है। जब टॉयलेट क्लॉग हो जाता है तो पूरे कंपार्टमेंट में बहुत अच्छी सी महक आती है। इसके अलावा कई पैसेंजर्स में भी सिविक सेंस नहीं है। 2017 की रिपोर्ट ने दिखाया कि टॉयलेट्स क्लॉग हो जाते हैं क्योंकि कई पैसेंजर्स बॉटल्स, सिगरेट्स, गुटखा, गुटके के पैकेट और सैनिटरी नैपकिन्स टॉयलेट्स में फेंकते रहते हैं। कुछ पैसेंजर्स को पता ही नहीं कि क्या चीज टॉयलेट में डालनी चाहिए और क्या चीज नहीं। दूसरे पैसेंजर्स कहते हैं कि ट्रेन्स में इतने डस्टबिन ही नहीं है तो हम फेंके कहाँ ये सब चीजें। सबसे बुरी हालत है जनरल कंपार्टमेंट्स की, जहाँ लोग इतने भरे हुए हैं कि टॉयलेट्स को साफ करना मानो नामुमकिन है और लोग रोक कर रख भी नहीं सकते क्योंकि ट्रेन्स ही इतनी स्लो चल रही है। 8-10 लोग बैठे हुए हैं। 1:05 अपने निर्धारित समय से 2:45 की देरी से चल रही है। सोशल मीडिया में जरूर आप सुपर फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, पर आपको शायद ये नहीं पता कि रेगुलर ट्रेन्स और धीरे चल रही हैं। यहाँ तक कि 1960s और 1970s में बेंगलुरु और चेन्नई या फिर चेन्नई टू कोयम्बटूर जाने के लिए समय कम लगता था आज के कंपैरिजन से। जहाँ पहले वृंदावन एक्सप्रेस 5 घंटे लगाती थी चेन्नई पहुँचने के लिए, आज 6 घंटे से ज्यादा लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन्स उन ट्रेन्स को बुलाया जाता है जहाँ इंडियन रेलवेज के हिसाब से कम स्टॉप्स होते हैं, पर वो ट्रेन्स भी एक्सप्रेस नहीं रही। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि जब शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन रेलवेज में, इसे कोवई और वृंदावन एक्सप्रेस और स्लो हो गई थी। वंदे भारत ट्रेन्स भी 180 किलोमीटर पर आवर जरूर जा सकती हैं, पर क्योंकि कई ट्रैक्स इतनी अच्छी नहीं है इसलिए उनकी टॉप स्पीड बस 130 किलोमीटर पर आ रही है। न्यू दिल्ली से वाराणसी का रूट सबसे तेज है, पर उधर भी एवरेज स्पीड बस 95 किलोमीटर पर आ रही है और मोस्ट रूट्स में तो वंदे भारत की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। ऑन एवरेज वंदे भारत एक्सप्रेस बस 14% टाइम सेव कर रही है, पर उसके दाम 52% ज्यादा है दूसरे रूट्स के कंपैरिजन से। अब आप ये जरूर कह सकते हो कि ज्यादा पैसा बस जल्दी पहुंचने के लिए नहीं दिया जा रहा बल्कि बेटर फैसिलिटीज के लिए भी दिया जा रहा है, पर ऐसा आर्गुमेंट दूसरी ट्रेन्स के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। 2007 में इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया था कि वो ट्रेन्स जिनकी एवरेज स्पीड ब्रॉड गेज में 55 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी और मीटर गेज में 45 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, उनको सुपर फास्ट बुलाया जाएगा, और उस समय से ये नंबर्स अपडेट नहीं करे गए। अब ये छोड़ो कि जापान और यूरोप में कई ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, बल्कि 2022 में CAG की रिपोर्ट ने दिखाया कि 478 सुपरफास्ट ट्रेन्स में से 123 ट्रेन्स की स्पीड बेंचमार्क स्पीड से कम थी। CAG रिपोर्ट कहती है कि इंडियन रेलवेज हर साल ट्रेन्स तो ऐड कर रही है, ऑन एवरेज इंडियन रेलवेज 200 नई ट्रेन्स लाती है, पर ट्रैक को अपग्रेड नहीं किया जा रहा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने खुद कहा कि नई पैसेंजर ट्रेन्स ऐड करने के बाद हमें टाइम ही नहीं मिलता इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज ने 2.5 लाख करोड़ रुपए जरूर खर्च करे इंफ्रास्ट्रक्चर में और 2016 में मिशन रफ्तार भी लॉन्च किया ट्रेन्स को ज्यादा तेज बनाने के लिए, पर CAG की ऑडिट के हिसाब से ना ट्रेन ज्यादा तेज हुई है और ना ज्यादा पंक्चुअल। इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ बस एक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि इंडियन रेलवेज के पास इतना पैसा नहीं है। बजट बजट बहुत बड़ी चीज है। इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल कंडीशन
एक कंसर्न जोन में आ गई है 2021 में, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग रेशियो है 107%, जो उनके इतिहास में हाईएस्ट है। 107% के ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है? 100 रुपए कमाने के लिए इंडियन रेलवे को 107 रुपए खर्च करने पड़े। अब सरकार का कहना है कि 2021 में इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से वो ज्यादा पैसा कमा नहीं पाए थे, पर डेटा ने दिखाया कि 2016 से ही ऑपरेटिंग रेशियो रेलवेज का 100% से ज्यादा ही रहा है। इनफैक्ट 17 में से 9 जोन्स में ऑपरेटिंग रेशियो 100% से ज्यादा है। इसका मेन कारण है कि टिकट के दाम बहुत कम है। इंडियन रेलवेज दो तरीके से पैसा कमाती है, गुड्स ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक। पैसेंजर से जो इंडियन रेलवेज पैसा कमाती है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसी टिकट बुक करी है। जैसे वो 21 पैसे पर किलोमीटर भी कमा सकती है रेगुलर सेकंड क्लास सीट्स के लिए, और 1.65 रुपए भी एयर कंडीशन कार सीट्स के लिए। शताब्दी में तो रेलवेज 2.5 रुपए पर किलोमीटर भी कमा सकती है हर पैसेंजर से। ऑन एवरेज इंडियन रेलवेज हर किलोमीटर के लिए 2 रुपए कमाती है हर पैसेंजर से, पर ये रेवेन्यू काफी नहीं है उनके डेली खर्चे जैसे फ्यूल और सैलरीज को कवर करने के लिए। सबसे बुरी हालत है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की। 77-80% लॉस जो रेलवेज का आता है नीति आयोग के हिसाब से, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से आता है। इन ट्रेन्स को ज्यादा फ्यूल, मेंटेनेंस और स्टाफ की जरूरत होती है, पर रेवेन्यूज इन जर्नीज में ज्यादा होता नहीं है। और पिछले 10 सालों में रेलवेज के खर्चे की ग्रोथ ज्यादा हुई है उनकी इनकम की ग्रोथ से, क्योंकि रेलवेज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है जहाँ खर्चा और हो रहा है। अब आप बोलोगे कि रेलवेज अपने टिकट दाम क्यों नहीं बढ़ा सकती? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि अगर वो एसी कोचेस के दाम बढ़ा देंगे तो याद रहे कि रेलवेज एसी बसेस और चीप एयर ट्रैवल से भी कम्पीट कर रहे हैं। अगर उन्होंने दाम ज्यादा बढ़ा दिए तो हो सकता है कि लोग दूसरी बसेस या फिर एयरप्लेन लेने लग जाए। और अगर हम लोअर एंड की बात करें तो याद रहे कि मोस्ट पैसेंजर रेवेन्यू रेलवेज का सेकंड क्लास पैसेंजर से आता है। अगर उन्होंने दाम बढ़ा दिए तो बेचारा वो माइग्रेंट वर्कर जाएगा कहाँ? जब 2014 में रेलवेज ने 33,000 करोड़ रुपए का लॉस किया था तो रेलवेज ने कहा था कि ये इसलिए हुआ कि क्योंकि वो एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। रेलवेज का कहना है कि वो करोड़ों गरीब लोगों के लिए एक सब्सिडाइज तरीका दे रही है ट्रैवल करने का। उनका ये भी कहना है कि वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, यानी कि वो माल गाड़ी के लिए ज्यादा रेट चार्ज करते हैं ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा पैसे ना देने पड़े। तो यार सारी की सारी बात आके यहाँ पर खत्म होती है कि बजट और लोगों पे भी डिपेंड करती है। दो तीन चीजें जो पॉइंट्स हैं वो मेजर हैं। एक तो लोग खुद भी इन चीजों को साफ नहीं रखते, ख्याल नहीं करते चीजों का, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने अखराजात, अपने खर्चे जो हैं वो उनको कम करने के लिए कि सब्सिडी ज़्यादा ना देनी पड़े और लोगों का काम भी हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ी हाई फाई रेल्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आम लोगों का बिल्कुल, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग हैं उनका ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ना गन बनता है। मतलब एक जगह है जिसमें टोटल 8 लोगों की जगह, और वहां पर अगर 18 या 16 लोग बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगा। और बाकी रही बात, अगर तो वैसे ट्रैक्स वगैरह बनेंगे, बन रहे तो हैं, देखो इंडिया में काम चल तो रहा है, काम चल रहा है, जगह जगह पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ट्रैक्स नहीं बन रहे ज्यादा, ट्रैक्स से ज्यादा वैसे मैंने ट्रेन पे ही काम देखा है कि ट्रेन पे काम तो लॉन्च हो रही है लेकिन ट्रैक्स नहीं बन रहे। तो खैर हाँ, तो बाकी इंडिया में फिर भी सिस्टम ठीक है, बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं बेहतर हो रही है चीज़ें। खैर आने वाले टाइम में ये चीज़ें कितनी बेहतर होती हैं, क्या होता है, और इस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजिम से आप लोगों ने बताना है। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।